हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो एक सिटी से रिलेटेड वीडियो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये इंडिया की सिटी है दिल्ली। तो अगर इसके बारे में बात कर ली जाए, जिस तरह हम इससे पहले भी दिल्ली सिटी पे रिएक्ट कर चुके हैं और इसको जो है वो दिल वालों का शहर कहा जाता है। तो इस वीडियो का टाइटल है न्यू इंडिया G20 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन, दिल्ली इज माइंड ब्लोइंग ओपन ग्रीन। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या चीज़ जो है वो नई देखने को मिलती है। तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने अगर आप देखें तो फव्वारे आपको नजर आएंगे, चाहे आप राइट में देखें चाहे आप लेफ्ट में देखें। और ये दिन का वक्त है और ये फव्वारे जो है यहाँ पर चलते रहते हैं। और अभी रिसेंटली में इन्हें बनाया गया है। ऐसा ही जो आपको नज़ारा है राइट में फिर से नजर आएगा। और ये जो
सबसे पहले इस वीडियो की बात की जाए तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने काफ़ी तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ था कि सबसे पहले अगर ग्रीनरी और फाउंटेन्स की बात कर ली जाए कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसके अलावा काफ़ी मेंटल हेल्थ पर अच्छा एक तो असर पड़ता है और देखने में भी अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा जो हमें फ्लैग्स देखने को मिले, आई डोंट नो कि वो किसी स्पेशल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे या जस्ट वैसे ही उन्होंने रोड की खूबसूरती के लिए वो लगाए हुए थे। जो जैसे G20 का इवेंट होने वाला है उसमें आई थिंक सो टॉप 20 कंट्रीज़ होंगी और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, इस दफ़ा इंडिया प्रेजिडेंट होगा G20 का, तो वो उन कंट्रीज़ के लिए फ्लैग्स लगे हुए थे उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि वो फ्लैग्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे या बस वैसे ब्यूटिफिकेशन के लिए लगे हुए। बाकी इसके अलावा ओवरऑल रोड की बात की जाए तो हमें कहीं पे भी जो है वो ट्रैफिक वगैरह नहीं देखने को मिली और जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो में भी बताया कि सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से जो है वो काफ़ी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और दूसरा इस वीडियो में मुझे कहीं भी वो जैसे ट्रैफिक वार्डन्स या होते हैं ना जो यानी ट्रैफिक को ध्यान रखने के लिए होते हैं वो नज़र नहीं आए थे, फिर भी लोग ट्रैफिक का कितना ख्याल रख रहे थे तो यानी कितने बैलेंस और डिसिप्लिन में सारा कुछ जा रहा था। और इसके अलावा एक और चीज़ के यानी जितना यानी वहाँ की इस वीडियो से देखने में नज़र आ रहा था जितनी स्काई उनका क्लीन था या रोड्स क्लीन थी और जो ग्रीनरी साफ़ सुथरी लग रही थी उससे ये पता चल रहा था कि वहाँ पर पोल्यूशन भी नहीं है बिल्कुल भी, जितना यानी ट्रैफिक वगैरह में पोल्यूशन होता है या एक डस्ट या हवा सी में धुआँ होता है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। और जो फाउंटेन्स और ट्रीज़ वगैरह थे वो सारा कुछ कितना खूबसूरत बना रहे थे इस रोड। बाकी इस वजह से कि पब्लिक भी जो है वो इस चीज़ में जो है वो अप्रिसिएशन के हकदार है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ पे उनके लिए काम कर रही है तो पब्लिक का भी उस लिहाज से काफ़ी यानी अच्छा रिस्पॉन्स है कि वो भी उस चीज़ को मेनटेन करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये कि बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आएँ तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।